हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम टूल्स के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने टूल्स में इन सभी शेप्स के बारे में जाना, आज की क्लास में हम इन टूल्स के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पिक टूल आपको समझ में आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए या किसी भी ऑप्शन को आपको पिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है शेप टूल। शेप टूल का यूज होता है शेप में चेंजेस कराने के लिए। जैसे अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं या कोई भी आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका जो रोल होता है बहुत ही मेन होता है, क्योंकि बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है हमारे लिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ कर लीजिए। हमने एक कॉम्प्लेक्स स्टार ले लिया, इसमें कलर ले लेना है। अब आप यहाँ पे आएंगे, शेप टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे शेप के आउटर एरिया पे यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड होके आ जाते हैं। अब इस पॉइंट के थ्रू आप शेप में कोई भी चेंजेस कराना चाहें, आप देखें इस तरीके से शेप में चेंजेस करा सकते हैं। यहाँ पे फ्री हैंड पे क्लिक करके आप देखिए अपने हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस जैसे भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, और भी नोड ऐड करना चाहते हैं, ऐड नोड पे क्लिक करें। आप यहाँ पे देखेंगे एक्स्ट्रा नोड यहाँ पे ऐड होके आ जाते हैं, इनसे भी आप इसमें चेंजेस करा सकते हैं। हटाना है तो क्लिक कर दें इस पे। नेक्स्ट फिर से इसे पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप चेंजेस करा रहे हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कन्वर्ट लाइन टू कर्व। यहाँ पे कर्व के फॉर्म में यहाँ पे देखिए बहुत ही स्मूथली आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये सारे आपके कर्व के अलग अलग फॉर्मेट हैं। आप देखिए इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू देखिए कितने सारे यहाँ पे आप इसको एंगल या कितने सारे स्टाइल आप दे सकते हैं। तो शेप टूल का यूज करके आप किसी भी शेप में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कोई दूसरा स्टाइल देना चाहते हैं, आप शेप टूल का यूज कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक करिए, इसके अंदर जो कलर फिल होगा वो लेफ्ट क्लिक से होगा। अगर आप इसके लाइन में चेंज करना चाहें तो माउस का राइट क्लिक करें। हेयर लाइन आप ठीक करना चाहें तो आप हेयर लाइन यहाँ से ठीक कर सकते हैं। इसी में दूसरा जो ऑप्शन मिल रहा है वो है स्मज टूल। स्मज टूल क्या करता है, आपके पिक्चर या आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है उसमें कलर को स्मज करने का काम करता है, यानी कलर को फैलाने का काम करता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ कर लिया और इसमें कुछ कलर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्मज टूल पे। यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटा सा एक ब्रश आ रहा है। आप इसकी साइज को और बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जीरो लगाएं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कलर को फैलाएगा, इस तरीके से स्मज करेगा इसको। थोड़ा सा हम जूम करके देखें, देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप जैसे ही स्मज पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो साइज यहाँ पे आ रही है, कलर जो आ रहा है, उसको ये फैलाएगा और स्मज करेगा। आप यहाँ से इसकी साइज को और भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहें तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये पॉइंट्स के थ्रू और भी ज्यादा ये, तो इस तरीके से स्मज टूल जो होता है वो कलर को स्मज करने का काम करता है। और अगर आपका पेज इस तरीके से बहुत ज्यादा जूम हो गया है, आप उसे फिट करना चाहते हैं, तो आपके कीबोर्ड में बटन होता है शिफ्ट। शिफ्ट के साथ आप F4 करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो पूरी तरीके से फिट हो जाएगा पहले जैसा था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है रफिन टूल। रफिन टूल का यूज होता है आप किसी भी शेप के एरिया में, किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया में थोड़ा कटीला इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल शेप हमने लिया और इसमें कलर ले लिया। इसकी हेयरलाइन को हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं, कलर भी ले लेते हैं, कलर दे दिए। अब देखिए ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे रफिन पे, तो यहाँ पे देखिए ब्रश की साइज छोटी आ रही है यहाँ पे,
यहाँ से आप इसके साइज को पहले बढ़ा लें। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो इसकी आउटलाइंस होती हैं, इनमें ये कटीले इफेक्ट देने का काम करता है। तो रफ एंड टूल इस तरीके से कांटे टाइप इफेक्ट देता है, तो आप इसका यूज़ इसमें कर सकते हैं। आप ब्रश की साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से ब्रश की साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, उसी तरीके से इफ़ेक्ट ये देगा जितना आप साइज यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम क्या होता है, ये आप ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के जैसे ही आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चाहें अपने हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को जितनी डिग्री में रोटेट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप शेप पे जब डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके कॉर्नर्स पे ये पॉइंटर इस तरीके से आते हैं, नोट्स आते हैं, इनसे भी आप इसमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं, इन पॉइंटर के थ्रू आप रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का काम होता है पिक्चर की अनवांटेड एरिया को अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप टूल का यूज करेंगे, इसके लिए हमें पेज पे एक पिक्चर इंपोर्ट करा लेना है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई करके भी आप पेज पे पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आपकी पिक्चर सेव है आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करें, आप जिस भी पिक्चर को लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये पिक्चर लिया और इस तरीके से ड्रैग कर देना है, ये हमने पिक्चर ऐड कराई। यहाँ पे ये पॉइंटर आ रहा है ब्लैक छोटे छोटे यहाँ पे आउटर पे, अंदर की तरफ आप करेंगे तो पिक्चर की साइज छोटी हो जाएगी, आउटर पे करेंगे बाहर की तरफ ले जाएंगे तो साइज बड़ी हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं पिक्चर का हमें इतना एरिया रखना है, बाकी का जो एरिया वो हमें क्रॉप करना है, तो उसके लिए आप क्रॉप टूल पे क्लिक करें, जितना एरिया आप रखना चाहते हैं उतना आप सेलेक्ट करें। क्रॉप करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं उतना एरिया जो था वो क्रॉप होके हमें शो कर रहा, बाकी का जो आपने नहीं सेलेक्ट किया था वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से क्रॉप टूल का यूज करके आप पिक्चर के कुछ एरिया को हटाना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो आप यहां से उसे क्रॉप करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है नाइफ टूल। नाइफ टूल के लिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। ये क्या करता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया उसको दो भाग या तीन भाग में आप बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नाइफ टूल का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें नाइफ टूल पे क्लिक कर देना, ये नोड टू नोड या लाइन टू लाइन करेगा। आप सिलेक्शन ले लीजिए जहाँ से जहाँ तक आप करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप सिलेक्शन लेंगे आप देखेंगे इस तरीके से लाइन आपको शो होने लगेगी, उसके बाद आपको पिक टूल पे क्लिक करना है, फिर बाहर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे जहाँ से आपने सिलेक्शन लिया था, जहाँ से आपने मार्क किया था, उतना एरिया वहाँ से कट के अलग हो जाता है। और भी अगर आप करना चाहते हैं आप फिर से सिलेक्शन लें, पिक टूल लें, बाहर क्लिक करें और उतने को आप अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाइफ टूल का यूज करके हम पिक्चर के सॉरी ऑब्जेक्ट के कुछ एरिया शेप के एरिया को क्रॉप कर सकते हैं या काट सकते हैं। अब देखिए अगर हम पिक्चर के साथ इसका यूज करें तो क्या यह काम करेगा, तो इसके लिए हमें पहले एक पिक्चर ले लेना है और इसको ड्रैग कर लेना है। हमने ये पिक्चर ऐड कराया और अभी अगर हम नाइफ टूल का यूज करें, हमने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया इस तरीके से, अब यहाँ पे आप देखिए लाइन नहीं बन के आ रही है। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ सिंपल शेप के साथ तो बहुत ईजी चल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होती है। उसके लिए आपको बिटमैप पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कन्वर्ट टू बिटमैप, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रिजोल्यूशन सेट करना है, मोड रखना है और ओके पे क्लिक कर देना है।
प्रोसेस होगा। अब आपको यहाँ पे नाइफ टूल पे आकर के सिलेक्शन ले लेना जितने एरिया को आप काटना चाहते हैं। सिलेक्शन लेंगे, अभी भी आप देखें तो ये नहीं चल रहा, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होती है जिनको हम आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं इरेजर टूल। इरेजर टूल का यूज पिक्चर हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, पिक्चर के कुछ एरिया को अगर आप इरेज करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट के, तो आप यहाँ पे इरेजर टूल का यूज कर सकते हैं। इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इरेजर की साइज को, उसकी थिकनेस को बढ़ाना चाहें तो आप इरेजर की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से ऑटो रिड्यूस ऑन इरेज ऑटोमेटिक यहाँ से ऑन। अब यहाँ पे देखें तो जितना पार्ट आप नहीं रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं इस तरीके से। अभी अगर हम देखें तो इरेजर का जो डिज़ाइन आ रहा, जो साइज आ रहा, वो इलिप्टिकल आ रहा है, सर्कल के व्यू में आ रहा है। आप चाहते हैं कि इरेजर जो आए वो स्क्वायर के व्यू में आए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इरेजर जो आ रहा है आप रेक्टेंगल व्यू में। आप इरेजर की साइज को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इरेजर की साइज को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं। अगर आप किसी पिक्चर के साथ इस ऑप्शन का यूज करना चाहें तो आप पिक्चर के साथ भी इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करना है, आपको पिक्चर को इंपोर्ट करा लेना है। अब पिक्चर का जो भी एरिया आपको नहीं चाहिए या आप इरेज करना चाहते हैं, इरेजर टूल पर क्लिक करें और इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत ही इजीली आप इसे इरेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इरेजर टूल। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसका क्या यूज होता है? आपने इस तरीके से कई सारे ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, इसकी एयरलाइन को हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका जो बाहर का इतना एरिया ये हमें हटाना है, तो आप यहाँ पे आके वर्चुअल सेगमेंट डिलीट करेंगे, सिलेक्शन ले लीजिए जितना आप नहीं रखना चाहते हैं और क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिक आप देखेंगे रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही अगर आप इतने एरिया को हटाना चाहते हैं तो आप उतना सेलेक्ट करके हटा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का जो कुछ एरिया बाहर जा रहा है आप उसे डिलीट करना चाहें या कट करना चाहें तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टूल्स को यहाँ पे बाहर लेना चाहें तो आप यहाँ से बाहर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मैग्नीफाइनर, इससे क्या होता है, अगर आप अपने पेज को जूम करके देखना चाहते हैं मैग्नीफाई करके, तो आप यहां से देख सकते हैं और यहां से आप इसे जूम आउट करके देख सकते हैं। देखिए यहां पे ऑप्शन भी ऐड होके आ जाएगा। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वे सारे जूम होके आएंगे। जूम टू पेज करेंगे तो पेज यहाँ पे, इस तरीके से आप अपने पेज को जैसे चाहें जूम करके देख सकते हैं। जितने पेज को अगर फिट करना चाहते हैं शिफ्ट के साथ F4 पे क्लिक करेंगे, पेज को फिट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हैंड टूल। हैंड टूल से आप अपने पेज को जहां भी चाहे मूव करा के शिफ्ट करा के रख सकते हैं। तो ये थे हमारे टूल्स के कुछ ऑप्शंस। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम टूल्स के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जूम टूल के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम कर्व फ्ले आउट टूल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको कई सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल का यूज़ करके अगर आपको कोई लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है या फिर अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी हुई है, आप चाहते हैं कि इसकी सेटिंग करना है आपको, आप देखिए इस तरीके से आप जैसे ही लाइन को या कोई भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो उसकी ये ऊपर प्रॉपर्टी बार खुल के आ जाती है, इससे आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं।
अब अगर आप चाहते हैं कि लाइन में हमें एरो लगाना है तो आप एरो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम लाइन के विड्थ को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एरो लग के आ रहा है। एरो चेंज करना है तो आप यहाँ से आकर के एरो को चेंज भी कर सकते हैं। लाइन की स्टाइल को अगर आप बदलना चाहते हैं, जैसे लाइन को आप डॉटेड में रखना चाहते हैं या डैशेस में रखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लाइन की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे आकर के सेट कर सकते हैं। नॉर्मल रखना है, क्लिक कर देंगे नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से भी अगर आप एरो दोनों साइड में लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर इस एरो का यूज़ करेंगे। लाइन की विड्थ को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप लाइन की विड्थ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है, माउस का राइट क्लिक करिए, माउस का राइट क्लिक करके आप लाइन में कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के आप ऑब्जेक्ट की साइज को भी बढ़ा सकते हैं। जितना आप रखना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे अपने हिसाब से दे करके एंटर प्रेस करेंगे, उतना ही उसका साइज बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप फ्री हैंड टूल का यूज कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं, पिक टूल पे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है वीजर टूल। इसका भी काम होता है अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, उसके लिए वीजर टूल पे क्लिक करेंगे। जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं, आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो, आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखेंगे इस तरीके से। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, इनके नोट्स में कुछ आपको बदलाव लाना है, कुछ चेंजेस करना है, तो आप शेप टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप शेप टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे और शेप पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज ओपन होकर आ रही हैं। इनसे आप चाहे तो शेप में या डिज़ाइन में अपने हिसाब से जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब अगर आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक करके ऑब्जेक्ट के अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं लाइन में, इसकी हेयर लाइन में कलर आपको चेंज करना है, तो माउस का राइट क्लिक करना होगा आपको। अभी आउटलाइन आपको दिख नहीं रही है क्योंकि इसकी जो लाइन है बहुत ही पतली है, तो आप यहाँ से आकर इसकी हेयर लाइन को थिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो कलर है जो आपने लगाया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया का काम क्या होता है? इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रश के स्टाइल आपको मिल जाते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कई तरीके के स्टाइलिश आपको ब्रशेस मिल रहे होते हैं। आप कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई कार्ड आप बना रहे हैं तो आप इन सब इसका यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा एक ब्रश है। देखिए ये सारे हमारे ब्रश है इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि कलर हमें चेंज करना है तो आप कलर को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे ब्रश जब लिया तो ये जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं सारे एक ग्रुप में आ रहे हैं। अभी अगर आप इसको मूव कराएं तो ये सारे एक साथ ग्रुप में मूव कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं जो ब्रश में ये जो सिम्बल्स या जो ये डिज़ाइन बन के आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये अलग अलग हो जाए, तो उसके लिए आप अरेंज पे आइए। अरेंज पे आने के बाद यहाँ पे ब्रेक अप पेयर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाता है अनग्रुप ऑल। आप इस पर क्लिक करके जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होंगे आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरा ब्रश लेते हैं, पहले आपको पिक टूल पे क्लिक करना होगा फिर ऑप्शन का यूज। अब यहाँ पे आइए, देखिए आपको चेंज करना, आप कोई दूसरा लेना चाहते हैं ब्रश का स्टाइल, तो आप दूसरा भी ब्रश स्टाइल ले सकते हैं। वैसे तो कलर इस पे यही सही है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये डायरेक्शन इसका चेंज करना है, फ्रंटली रखना है, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें आर्टिस्टिक मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्टिक यानी ब्रश के जो स्टाइल्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, जिनका यूज़ हम अपने ग्राफिक्स या अपने काम में कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। अगर ये पेज का सारा काम आपको रिमूव करना है, कंट्रोल के साथ एक ही को प्रेस करिए और डिलीट कर दीजिए। तो ये था हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है पेन टूल। पेन टूल का भी यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप इससे भी बना सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप शेप टूल का यूज़ करें और इस तरीके से पॉइंट्स ऐड करा कर शेप टूल से चेंजेस कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ऊपर भी ये पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कर्व टूल, यहाँ पे कर्व स्ट्रेट लाइन में आएगा इस तरीके से, या स्प्लिट में रखना आप इस तरीके से। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो कई तरीके के आपको कर्व के टूल मिलेंगे जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को और भी अच्छे तरीके से एडजस्ट करा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप बस यहाँ पे सेलेक्ट करके कलर को चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है पॉलीगन टूल। पॉलीगन, इस तरीके से आप एक पॉलीगन टूल मिल जाता है, इससे भी आप कुछ ड्रॉ करना चाहें। या ये क्या होता है, कंप्लीट शेप होता है ये, इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करते रहेंगे तो ये ड्रॉ होता जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। इस तरीके से आपको डबल क्लिक करना होगा या फिर एंटर, तभी ये कंप्लीट होगा या सिलेक्शन ओवर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसको अगर आप किसी दूसरे तरीके से यूज़ करना चाहें, देखिए यहाँ इसके लिए हम एक पिक्चर ले लेते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल आई को होल्ड करके आप जो भी पिक्चर लेना चाहें आप ले सकते हैं। पिक्चर को ड्रैग करना होगा। अब देखिए पिक्चर के एरिया, जैसे आप चाहते हैं कि इसको एक शेप हमें ड्रॉ करना है तो आप पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें फ्री हैंड का टूल करना तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पेन टूल को लिया और सिलेक्शन लेना स्टार्ट किया, यहाँ से क्लिक करते जाना है जितने एरिया में, या जैसे जैसे आपको लेना है। इस तरीके से ये हमने सिलेक्शन लिया, एंटर करके ओवर करेंगे इसे, सेलेक्ट कर लेते हैं और इतने को आप चाहे तो यहाँ पे अलग कर लीजिए। अब आप देखें यहाँ से आप लाइन कि बिट को बढ़ाना चाहें या आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कई तरीके से आप इससे डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है थ्री पॉइंट कर्व टूल। इससे क्या होता है, आप इस तरीके से थ्री पॉइंट कर्व बना सकते हैं, आप इसमें थ्री ही पॉइंट ऐड होके आएगा। अगर इसमें भी अगर आपको लाइन स्टाइल बदलना है, आपको एरो लगाना है या आपको लाइन में दोनों साइडेड एरो लगाने, लाइन की स्टाइल को बदलना, अभी तो ये आपको नहीं शो कर रहा, जब आप यहाँ से लाइन के विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तभी ये आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको कलर बदलना है, माउस का राइट क्लिक करिए, लाइन का कलर आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल। इसका यूज कनेक्टिविटी, आप कुछ कनेक्टिविटी दिखाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने एक कनेक्टर टूल बनाया तरीके से। आप इस तरीके से कनेक्टर टूल का यूज कर सकते हैं। आपको लाइन का कलर चेंज करना है तो लाइन का कलर आप इसमें फिल नहीं कर सकते कलर, क्योंकि इसके नोट्स जो हैं वो खुले हुए हैं। तो इसके लिए भी हम आगे एक ऑप्शन पढ़ेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, अरेंज पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लोज पाथ का। आने वाली क्लास में हम इन ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है डायमिनेशन टूल। यहाँ पे आप डायमिनेशन टूल पे देखेंगे, आप किसी की भी लंबाई देखना चाहें कितनी डिग्री में ये ड्रॉ हो रहा लाइन, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। या अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लें, कोई इमेज ले लें, देखिए अगर आप इसका देखना चाहते हैं आप टूल पर क्लिक करिए, जहाँ से जहाँ तक आपको देखना, देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख किया जाएगा। तो ये था हमारा कर्व लेआउट टूल। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम स्मार्ट फिल टूल पे। स्मार्ट फिल टूल का यूज करके आप कई तरीके से आप उसमें स्टाइल करके अलग अलग कलर्स फिल करके आप उन्हें अलग कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ओवल
शेप ड्रॉ कर लिया और उसमें एक कलर दिया। स्मार्ट फिल पर क्लिक किया। अब जैसे ही स्मार्ट फिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल के कुछ ऑप्शंस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कलर दिया, फिल का जो कलर लिया हमने ब्लू लिया, और यहाँ पे आउटलाइन का जो लिया वो येलो लिया। आप देखेंगे जैसे ही ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे वो स्टाइलिस पे अप्लाई होके आ रही है। हमने यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर ली। थोड़ा सा हम इसकी हेयरलाइन के विड्थ को बढ़ाते हैं। फिर से हमने इस पे अलग कलर लिया एक दूसरा, और हेयरलाइन का भी कलर लिया और क्लिक कर दिया। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो गया। फिर हम इसी पे आए और एक और कलर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए एक ही ऑब्जेक्ट में हमने कितने सारे कलर्स को सेलेक्ट किया और अप्लाई किया। अभी अगर आप यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी ऑब्जेक्ट पे आपने कलर दिया था, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही था लेकिन कलर जो हमने जितने भी दिए थे उन सबको आप यहाँ पे अलग अलग करके देख सकते हैं। इस तरीके से हटाना चाहते हैं कंट्रोल के साथ ए सेलेक्ट ऑल डिलीट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है स्मार्ट ड्राइंग टूल। स्मार्ट ड्राइंग से आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं। ये एक पेंसिल टाइप आपको मिल जाता है, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी आपको स्टाइल वगैरह चेंज करनी है, लाइन की स्टाइल चेंज करनी है तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो शेप टूल के ऑप्शन है इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा।